Yes. You have to find the radius of this circle when side is given. Suppose side is given AB equal to A or AB equal to BC equal to AC equal to A. Then you have to find the radius of this circle. कौन कौन लोग फाइंड कर सकते हैं रेडियो है तुम बे नाम कर बताइए यस 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 यहां से मतलब ये से ना ये सेंटर से ही होके जाएगा ये सब कुछ के सेंटर यहाँ पे यस सर एम अच्छा बीसी बाइसेक्ट हो जाएगा कंफर्म ऐसा कुछ रूल है सेंटर से जब जाता है तो बाइसेक्ट करता है और एक रूल और है आइसोसेलिस ट्रायंगल हो या इक्विलेटरल ट्रायंगल हो अगर उसके अपोजिट वर्टेक्स से आप उसके किसी भी अपोजिट वर्टेक्स से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो बेस को बाइसेक्ट करता है समझ रहे हैं अगर ये सर्कल नहीं भी होता है अगर ये सर्कल नहीं भी होता और साइड AB इक्वल टू अगर AC है तो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे अगर तो वो बेस को क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा कंफर्म यस सर ये हो जाएगा A बाई टू AB हो जाएगा A बाई टू अब बोलिए आगे हाइट निकाल लेंगे हाइट तो निकल जाएगा उसका रेडियस कैसे निकलेगा चलिए मैं हाइट निकाल रहा हूँ बैठ जाइए फिर आप बताइएगा आगे ड्रा AM परपेंडिकुलर एंड BC यस सर देयरफॉर BM इक्वल टू BC CF क्या हुआ भाई इन ट्रायंगल AMBC चाहिए BM एंगल AM इक्वल टू 90 डिग्री therefore AB square equal to BM square plus AM square दे दो तो A square is equal to A upon 2 होल स्क्वायर प्लस एम को एच मान लेते हैं एम को यहां से एच मान ले एच स्क्वायर देन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर आर एच स्क्वायर इक्वल टू 3 ए स्क्वायर अपन 4 आर एच इक्वल टू ए अपॉन टू अंडर रूट 3 ये हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात को किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होगी वो ए अपॉन टू अंडर रूट 3 मीन जितना उसका साइड दिया रहेगा उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे सॉरी हाँ जितना साइड दिया रहेगा वो अपॉन टू मीन उसका हाफ और उसमें अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे साइड का हाफ इंटू अंडर रूट 3 अगर ये जैसे साइट अगर 10 दी गई है तो अगर इसका आप हाइट निकालेंगे तो 503 होगा एक तरह से ये फार्मूला है अब इसका रेडियस हमको निकालना है रेडियस कैसे निकालेंगे बताइए आप ही खड़े रहो बताओ चलिए नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा नहीं आएगा बैठिए बैठिए इधर कोई तुम कौन है बैठा रहा सुबह तुम ये क्या कह रहे हैं समझ रहे हैं आप लोग ये सही बोल रहे हैं ये जो पॉइंट होगा वो सेंटर ये सेंट्राइड होगा
ये सेंटर तो होगा ही होगा, ये सेंट्राइड भी होगा। सेंट्राइड मीन्स द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मीडियंस। जो मीडियन अगर आप ड्रा करेंगे, कोई भी मीडियन अगर ड्रा करेंगे कोई लेटरल ट्रायंगल में, तो ये ओ से ही होके पास करेगी। बात समझ रहे हैं? ओ से होके पास करेगी। मीन्स जैसे सपोज करिए कि ये ट्रायंगल है एबीसी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर इसका मीडियन ड्रा करें आप ये जो पॉइंट होगा यही इसका सेंटर होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो इंटरसेक्शन पॉइंट आप होता है मीडियन का, वही सर्कल का सेंटर भी होता है, क्योंकि यहां से हम आइदर इसको या तो इसको 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 किसी एक को हम सेंटर मान के, या तो ओसी को, ओए को, ओबी को, किसी एक को सेंटर मान के हम सर्कल ड्रा करते हैं। और जब सर्कल ड्रा करते हैं तो ये सर्कल जो है ए बी से होके, ए बी सी से होके पास करेगा। तो इस तरह हम ये देखेंगे कि जो इसका सेंटर होगा सर्कल का, ये क्या होगा, ये सेंट्राइड होगा। ठीक है, मतलब इसको हम ओ की जगह इसको हम जी भी लिख सकते हैं। तो सेंट्राइड में एक रूल है, ये जो पूरी हाइट है इसको सेंट्राइड 2:1 में डिवाइड करता है। क्या करता है, ये 2:1 में डिवाइड करता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ GA भी इसका रेडियस है, जैसे GB है वैसे GA भी है, और अगर ज्वाइन कर दे तो GC भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे वी नो सेंट्राइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द मीडियन इंटू 2:1। इतना आपको लिखना पड़ेगा। इट मीन्स ये हो जाएगा जो हमारी हाइट हो जाएगी, देयर फोर एच इक्वल टू हो जाएगा 2x + x मीन्स 3x। इसको 3x मान लेंगे, अब यहां पर हम लेंगे इसकी जगह 3x लिख लेंगे। 3x इक्वल टू a अपॉन 2 अंडर रूट 3 और x इक्वल टू a अपॉन 6 अंडर रूट 3। x की वैल्यू आ गई है, हमको निकालना है रेडियस, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2x, r इक्वल टू 2x, देयरफॉर हो जाएगा 2 इंटू ए अपॉन 6 अंडर रूट 3। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा a अपॉन 3 अंडर रूट 3। ये हमेशा रेडियस होगी, हमेशा मीन्स रेडियस इक्वल टू ऑलवेज r इक्वल टू a अपॉन 3 अंडर रूट 3। इसको हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, जिनको लिखने की जरूरत हो लिख लें, जिनको ना जरूरत हो छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 13.2। स्टॉप टॉकिंग सर प्लीज। रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली। इन फिगर 13.12 यू सी द फ्रेम ऑफ ए लैंप सेट, इट इज टू बी कवर्ड विथ ए डेकोरेटिव क्लॉथ। द फ्रेम हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर। अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवेन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम। फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैंप सेट।
1, 2, 3 Suppose this length set is given and height of this length set is 30 centimeters. And diameter is 20 centimeters. ये length set दिया गया है, इसको cloth से ढकना है। तो अगर क्लॉथ से हम ढकेंगे, सपोज करिए अगर यही लैंप पोस्ट है, अगर इसको हम क्लॉथ से ढकेंगे तो पूरा इसका जितना कर्व सरफेस से दिया है जो बाहर बाहर वाला, इसको ढकेंगे हम। लेकिन कहा ये रहा है कि इसके टॉप को और बॉटम को भी ढकना है, मतलब फोल्ड करना है इस पे। तो बॉटम को और टॉप को फोल्ड करने के लिए 2.5 बॉटम के लिए और 2.5 टॉप के लिए एक्स्ट्रा क्लॉथ चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 10 length of cloth equal to 30 plus contact बॉटम के लिए और 2.5 टॉप के लिए, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 35 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 20 सेंटीमीटर, देयरफॉर आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ द ऑफ लैंप सेट equal to 2πRH ten into 35 centimeter square this is your answer